गणपति बप्पा मोरिया। तो परांठे नहीं खा रहे हैं, बेडशीट ना हाथ से धुलती नहीं अच्छे तरीके से। एक ये है कलरफुल सी, अब मेरे आ जाए बस, पता नहीं क्या है इसमें। मेरा सरप्राइज अभी आ रहा है। वाओ, हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही था, राज जोशी जी टाइम पे घर वापस आ गए थे ऑफिस से, तो मेरा भी सारा घर का काम वाम टाइम पे निपट गया था। खाना खाना, खिलाना, बर्तन साफ करना, रसोई की साफ सफाई टाइम पे ब्लॉग का एंड भी कर दिया था। उसके बाद जोशी जी और मैंने लैपटॉप पे फिल्म देखी, कोई साउथ की फिल्म थी, नाम तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। शादी से पहले गीशी के साथ देखती थी लैपटॉप पे, टैब पे, और जब अब शादी हो गई तो जोशी जी के पास जब भी टाइम होता है, जब भी फ्री होते हैं, तो हम लोग फिल्म देखते हैं, और मुझे वो टाइम बहुत बेस्ट लगता है मेरी लाइफ का। तो रात तो लेट ही सोए थे, 2-2.30 बजे फिल्म ख़त्म हुई, उसके बाद हम लोग सोए। रात जितनी मर्जी लेट सो, लेकिन सुबह तो टाइम पे उठना ही पड़ता है। तो अभी नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने आपके सामने। दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूंगी ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। ये है मेरी आज की फुल लुक। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। पत राखो गौरी के लाल, हम तेरी शरण आए, प्रथमे तुम्हें मनाए है संग्राम विजेता, पूजा करे तुम्हारी हे देवन के देवा, शीश झुकाऊं तुम्हें मनाऊं, मैं तिलक लगाऊं भाल, हम तेरी शरण आए, पत राखो गौरी के लाल, हम तेरी शरण आए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया। भिंडी की सब्जी, रोटी, ब्रेकफास्ट किया जा रहा है अभी। आलू के परांठे बनाए गए, लेकिन जोशी जी कह रहे मैं ऐसे ही खाऊंगा रोटी के साथ परांठे का जो मिक्सचर बनाया था, तो परांठे नहीं खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट सही हो रहा जोशी जी? बढ़िया। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। ओके, फिलहाल ओला बाइक से गए हैं। आप सभी ने पीछे के ब्लॉग्स में मेरे मुंह से बात सुनी होगी कि स्कूटी सर्विस के लिए दी हुई है। जहाँ से हमने स्कूटी निकलवाई थी ना, जिस शोरूम से, वहीं पे दी है हमने स्कूटी सेट करने के लिए। अभी स्कूटी ना काफ़ी ख़राब सी हो गई थी, न्यू स्कूटी लेंगे तो कितनी महंगी पड़ेगी, तो मैंने कहा इसी वाले को सही करवा लेते हैं। तो अभी इस बार बिल तो लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन उम्मीद है कि स्कूटी सही सलामत बहुत बढ़िया तरीके से नई नवेली की तरह आएगी। तो अभी गए हैं, वहीं से स्कूटी उठाएँगे, फिर ऑफिस जाएँगे और शाम को दिखाऊँगी आपको स्कूटी। जोशी जी तो चले गए अभी ऑफिस। यहाँ पे मशीन लगा ली है मैंने कपड़े धोने के लिए, धोते बाद चलानी पड़ेगी। गर्मी बाप रे, सुबह सुबह इतना बुरा हाल। कपड़े धोने के बाद अभी आंगन साफ कर दिया है मैंने, मशीन भी पैक कर दी है दोबारा, टब भरा हुआ है कपड़ों से, अब मुझे ऊपर लेकर जाना है। ओह माय गॉड, बार बार चक्कर लगाऊंगी बाल्टी में, उससे बेटर है कि ऐसे ले चलते हैं। मेरा सिर ना वैसे भी दर्द हो रहा है, तो भी आराम सा पड़ रहा है सिर में। ये बहुत भारी हो रहा है यार, ये स्टैंड में फंस गया। फाइनली अभी सभी कपड़े धुल चुके हैं और पीछे तार पर टांग दिए मैंने सूखने के लिए, सभी तारें फुल हो चुकी हैं। मेन तो ये बेडशीट धोनी थी, जिसके चक्कर में मुझे मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि बेडशीट ना हाथ से धुलती नहीं अच्छे तरीके से। बाकी सब कपड़े तो फिर भी मैं धोती रहती हूँ, वो तो आप लोग में देखते ही हो। तो बाबरे, दोपहर के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं अभी, और अभी फ़ोन का काम का सारा पड़ा है मेरा। चलो चलते हैं नीचे। रुत लंगी तो कली दबारा खिलनी है के नहीं, खोरे जिंदगी फिर दबारा मिलनी है के नहीं, खोरे जिंदगी फिर दबारा मिलनी है के नहीं। सिर से लेकर पैर तक पूरा पसीने में नहा चुकी हूँ अभी मैं। एक बोतल पानी पी लिया नीचे आकर मैंने, अभी भी प्यास बुझ नहीं रही, और भी प्यास लग रही है, अभी और पानी पीऊँगी। और एसी तो अभी दिन में चलाऊंगी नहीं, और पंखा बिल्कुल मरी हुई स्पीड में चल रहा है,
तो चलो बाहर ही चलते हैं, ब्लॉग एडिट करना है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं। बार मैंने कूलर चला रखा है, सावधान इंडिया देख रहे हैं, बाहर ही मैं भी ब्लॉग एडिट करूँगी। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, फ़ोन का सारा कामकाज निपट चुका था मेरा, ब्लॉग भी एडिट कर लिया था मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए थे। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, हाय तोबा वाली, तो फिर मैंने नहा लिया और सुबह जल्दी जल्दी में थी घर के कामकाज के चक्कर में, सिर धोया नहीं था मैंने, तो कल को वीरवार है, कल तो सिर धुलेगा नहीं, तो मैंने नहा भी लिया, सिर भी धो लिया। और अभी इस समय जो मैंने मैक्सी वेयर की हुई है, ये मेरी सासू माँ की मैक्सी है। किसी समय पर मेरी सासू माँ इतनी पतली हुआ करती थी। बाकी फुल लुक आपको एक बार मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी, नीचे जाके कपड़े उतार लेते पहले, फिर छत में लाइट नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। कपड़े इतने सारे हैं कि तीन चक्कर लग गए मेरे, तीसरे चक्कर के कपड़े हैं जो भी लेकर आ रही हूँ मैं, इतनी भी थक गई मैं तो। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे काम रास होणगे, हर काम नालो पहला ही ते आइए, सारे काम रास होणगे। गौरा मां दा मान है गणपत, शिव जी दा वरदान है गणपत, पहला लड्डूआं दा भोग लगाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे काम रास होणगे। कपड़ों की तह कर ली थी मैंने, पूजा पाठ भी कर लिया था, उसके बाद अभी आ चुकी हूँ रसोई में। यहाँ पे बनाई जा रही है सब्जी, छान डाल के आलू बनाए जा रहे हैं आज, मट्ठा डाल के, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं, काफ़ी दिनों के बनाए नहीं थे। लीजिए गर्मा गर्म यहाँ पर हमारी छान डाल के आलू की सब्जी हो चुकी है तैयार। बाल मेरे अच्छे से सूखे नहीं हैं, रसोई में आ गई काम वाम करने के लिए, पसीने से और ज़्यादा भीग चुके हैं अभी बाल। आज मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी नींबू पानी बनाया मैंने अपने लिए और सासू माँ के लिए। यहाँ पर अभी गर्मा गर्म डिनर किया जा रहा है, सुबह जो भिंडी की सब्जी बनाई थी थोड़ी सी वो बची हुई है, और अभी जो हमने सब्जी तैयार की है मट्ठा डाल के आलू की सब्जी, तो डिनर करते हैं फिर चलते हैं वो करने। नमस्ते मम्मा जी, कैसे हो? लग गया जुकाम? घूम फिर के आए हो ना, इन्फेक्शन हो जाती है कहीं से भी। अभी मौसम चल ही रहा है, सब बीमार हो ही रहे हैं, ध्यान रखो भाई। वॉकर के घर वापस आ चुकी हूँ अभी मैं। मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको बहुत बार बताया है कि एक दीदी हैं जो हमारी गली में सामान बेचने के लिए आते हैं, तो अभी जब मैं वॉक कर रही थी तो दीदी बाहर आए हुए थे काफ़ी सारा सामान लेके, तो सभी ने गली वालों ने खरीदा, तो मैंने भी अभी कुछ खरीदा है जो आपको दिखाने लगी हूँ। दो ली है मैंने ये लोअर, एक ये इस कलर की है, सिंपल घर में पहनने वाले पजामे बोल लो, लोअर बोल लो, वो है। एक ये है कलरफुल सी, कलर सभी ऐसे थे कलरफुल से, और एक ये है, और एक नंद के लिए भी ली है, वो बाहर है मम्मा के पास। और एक मैंने ये ब्लाउज़ भी लिया है, स्ट्रेचेबल ब्लाउज होता है ना जिसके आगे पीछे बटन नहीं होते, वो वाला ब्लाउज है ये। अब मेरे आ जाए बस, वैसे स्ट्रेचेबल है आ ही जाएगा। एक ये वाला ब्लाउज लिया है, तो जब भी कभी साड़ी वेयर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। मैंने उनसे और कलर मंगवाए हैं, वैसे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी जब भी करूंगी इसे, तो फिलहाल ऐसे चीज़ें ले लेके मैं रख लेती हूँ, जब कभी ज़रूरत पड़ती है मौके पे फिर पहन के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि आज मैंने पहली बार पहना है, फिर आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी आप पहली बार बहुत कुछ पहनते हो लेकिन आप खरीदते कब हो, जब भी खरीदते हो दिखाया करो। तो अब से मैं जो भी शॉपिंग करूँगी जब भी करूँगी आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो इन तीनों चीज़ों में से सबसे बेस्ट मुझे ये वाला ब्लाउज लगा, और देखते हैं जल्दी ही साड़ी पहनूंगी जब भी मुझे मौका मिला साड़ी पहनने का। जोशी जी को भी कॉल किया था, ऑफिस से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो, तब तक आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर लेती हूँ मैं। जोशी जी ऑफिस से घर वापस आ चुके हैं, अभी गए हुए हैं नहाने के लिए,
कुछ चिज्जी लेकर आए हैं खाने के लिए, पता नहीं क्या है इसमें, अभी मैंने ओपन किया नहीं है इसे। चलिए बाहर चलते हैं, सबके साथ खाएंगे बाहर बैठकर ही। और मुझे अभी ये भी बोल के गए हैं कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, मेरे बैग में है, बैग को हाथ मत लगाना, आके दे देते। मैं कौन सा डेली इनका बैग ही चेक कर रही हूँ, सस्पेंस रख के चले जाते हैं, पता नहीं क्या सरप्राइज़ है। कुछ मीठा सा है ये, मैंने कुछ को पूछा इसका नाम क्या, कह रहे मुझे नाम नहीं पता, बस ये मीठा आता है, खाने में टेस्टी होता है। टन टन टन, एक बार फिर से हमारी स्कूटी हमारे बीच में आ चुकी है, नई नवेली बनकर। सही है, मेरा सरप्राइज अभी आ रहा है, मेरा सरप्राइज आने वाला है, मेरा सरप्राइज आ चुका है, ये मेरा सरप्राइज। वैसे काफी जरूरत की चीजें हैं ये, मुझे काफी टाइम से नीड थी इन थैलों की। ये थैले चांदनी चौक में, सदर बाजार में, बड़ी बड़ी मार्केट्स में मिलते रहते हैं, लेकिन मेरे घर पे नहीं आ पा रहे थे थैले। काफी सारा सामान इनमें आ जाता है सेटिंग से, तो इससे मैं इनको काफी टाइम से बोल रही थी कहीं बाहर जाओगे तो लेके आना, कहीं गए थे क्या आज आप? हाँ, उधर की तरफ गया था काम पर, थोड़ा सा दिखे एक जगह तो मंदिर में। चलो बहुत बढ़िया किया, थैंक यू। कितने हैं? दो थैले। अच्छा, दो थैले हैं, थैंक यू। कुछ है क्या इसमें? कुछ है इस थैले के अंदर, है तो करवा दो मेरी। व्हाट इज दिस? सेल्फी स्टिक। वाओ, अच्छा ये वो ट्राइपॉड भी बन जाता है वो भी, है ना? अरे वाओ, ब्लूटूथ वाली है, इसकी मुझे बहुत नीड थी, जैसे एप्लीकेशन लिखते थे ना छोटे होते। थैंक यू मुझे तोहफा देने के लिए, इसकी मुझे बहुत नीड थी। वाओ, मैं अभी फोन इस पे भी लगाती हूँ, रुको। हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस, मेरी सेल्फी स्टिक आ चुकी है। टेन टेन, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कितना मस्त शूट होगा ना इससे, गाँव वाली साइड तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि पीछे से पूरा व्यू कैप्चर कर पाऊंगी मैं। वाओ, और स्टैंड में बन जाता है ना ट्राईपॉड, बहुत सही। अभी हमारी सेल्फी स्टिक बन चुकी है, हमारा ट्राइपॉड है मेरे पास। वैसे वो भी पहले मुझे जोशी जी ने ही गिफ्ट किया था, लेकिन वो ना थोड़ा बड़ा है, उसको निकालना सेट करना मुझे आफत सी लगती है, तो भी बढ़िया है। इस थैले का फुल साइज भी देख लीजिए आप, अभी तो खुलेगा ही, है ना? बंद है चारों साइडों से, सामान सेट करके रख दी इसमें। अच्छा जी, आप हेल्प नहीं करवाओगे? कितने चला गए? आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है, आज कुछ खास नहीं है, आज आप मेरे लिए क्यों लाएंगे? कोई बात नहीं, एनिवर्सरी थोड़ा होती, कभी भी कुछ भी हो। ऐसे ही बात भी कितनी अच्छी है ना, अपने स्पेशल वंस को देते रहने चाहिए गिफ्ट, ये क्या है? अच्छा, फोन का कवर गर्लिश वाला? नहीं नहीं, नॉर्मल है। मैं इनको कब से बोल रही हूँ मुझे गर्लिश टाइप वाला चाहिए, ट्रांसपेरेंट काला पड़ जाएगा कुछ कुछ दिन में। ये काला नहीं पड़ता, ये बढ़िया वाला कवर है, ये आईफोन वाला है ना? सही है, लगा लो इसे। हाँ, लगा लो। चलो इसको भी अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी मैं, थैंक यू। एक्चुअल में मेरे को जिन चीज़ों की नीड रहती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ट्राइपॉड या फिर सेल्फी स्टिक या जो भी चीज़ मेरे काम में, या इवन ये जो फ़ोन है मेरा, ये भी हमने उस समय किश्तों पे लिया था, अभी तो ये अपना हो चुका है, आईफोन 11 इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था उस समय पे भी। तो मतलब कि जो भी चीज़ें मुझे व्लॉगिंग में हेल्प करती हैं, मेरे पतिदेव हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। और कई बार अगर ये डांटते भी हैं या गुस्सा भी करते हैं, तो जब मैं ध्यान से सोचती हूँ ना, उन चीज़ों के पीछे भी मेरी ही अच्छाई होती है कहीं ना कहीं। एक चीज़ और है इसमें जो अभी जोशी जी दिखा रहे हैं, ये ब्लूटूथ का सेटअप है ना, कहीं भी जाओ इसको फोटो क्लिक करने के लिए, अपने इसको स्टिक करो कहीं भी लो और हाथ से यहाँ से क्लिक कर लो। अच्छा अच्छा, ब्लूटूथ वाला बटन है, दिखाओ, मैं करके दिखाता हूँ एक बार अपने फोन में करके दिखाता हूँ। अभी जोशी जी अपना आईफोन निकाल रहे हैं, चार्जिंग भी लगा रखा था इन्होंने, यूजिंग चीज़ है, काफ़ी यूजिंग चीज़ है।
और मेरा तो जो फील्ड है, जो मेरा काम है, उसके लिए तो काफ़ी इजी है। अब कितनी बार मैं ऐसे दिखा सकती हूँ चीज़ें, जैसे अभी मैंने ये लोरी खरीदे थे आपको दिखा सकती थी मैं ट्राईपॉड पे लगा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा वो, उसको निकालो फिर सेट करो, तो ये छोटी सी चीज़ है, हाथ में कहीं पर भी फोल्ड करके लेके जा सकते हो आप ट्रैवल वगैरह में भी, तो काफ़ी सही चीज़ है। एक चीज़ और है इसमें जो अभी जोशी जी दिखा रहे हैं, ब्लूटूथ का सेटअप है ना, कहीं भी जाओ इसको फोटो क्लिक करने के लिए अपने को बार बार इसको स्टिक करो, कहीं भी लो और हाथ से यहाँ से क्लिक कर लो। अच्छा हाँ। अच्छा ब्लूटूथ वाला बटन है, दिखाओ मैं करके दिखाता हूँ अपने फोन में करके दिखाता हूँ। फोन सेट हो चुका है, फोन साफ भी किया जा रहा है अपनी बंडी से, बनियान से। ये दीजिए एंगल बना लिया जोशी जी ने, पिक क्लिक कर लो। अच्छा अरे वाह, एक दो पिक्स ले लो ना अच्छी वाली। अच्छी वाली कैसी आई इसकी आई, स्टोरी पे लगा देंगे। मेरा पूरा रूम दिख रहा है यार इसमें। वाह, मैं ये सोच रही हूँ व्लॉगिंग के लिए कितनी सही चीज़ है, माइक लगा के गिशी वाले है ना, गिशी वाले माइक और ये सेल्फी स्टिक, और कहीं घूमने जाओ बढ़िया मस्त व्लॉग बनाओ। मेरा दिल खुश कर दिया जोशी जी आज आपने, क्या बात है, पति देव हो तो ऐसे हो, वरना जैसे भी है काम उन्हीं से चलाना पड़ेगा। चीजी का नाम लेते ही लड़का रेडी स्टेडियन को हो जाता है। ये ए ये ए ये ए ये ए बाप रे, इतनी पुच्ची। अब चीजी ढूंढ रहा है, अब चीजी ढूंढ रहा है, देखो चीजी जी जादू दिखाऊं है ना, कुछ नहीं ना, लो चीजी कौन सा हाथ में, ओ ओ दोबारा चीजी पक्का इसके अंदर देख लो कि एक के अंदर है टॉफी। आय हाय, खिल दो, बैठो बैठो नीचे बैठो, खिल दो। आय हाय आय हाय आय हाय, लड़के को चिज्जी मिल गई रे। इक्लेयर इतनी चॉकलेटी क्यों है? बस अब ये भागेगा गोली की रफ्तार से दादी के पास। बस ये अब तो सीढ़ी भी है इसके लिए, अपने आप को शीशे में निहारते हुए। गुड नाइट, लव यू ईशान, लव यू टू। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। कहते ना अपने घर की लक्ष्मी को टाइम टाइम पे तोहफे देते रहने चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। शायद कुछ ने वो वाली रील देख ली होगी, अच्छा लगता है ना कभी कभार। यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं, अभी सभी डिनर कर रहे हैं, मम्मी और आते भी बाहर खाना खा रहे हैं, डिनर किया जा रहा है यहाँ पर। अभी सब्जी टेस्टी बनी है, अच्छी हो रही है। ईशान की पिटाई होगी अभी, ईशान बिगड़ रहा है बहुत ज्यादा, कोई हाथ में लगाएगा इंसान को। अच्छा चाचू के पास जाके बैठेगा ताकि कोई मार ना सके इसको, कोई नहीं मारेगा, कोई हाथ में लगाएगा। सारा सामान फेंक के आया वहाँ, ये बिस्तर सारा नीचे फेंक के आया ये, कोई बात नहीं दोबारा लगा लो, क्या हो गया, फेंक दिया तो फेंक दिया। देखना कितना लाडला हो रहा है चाचू का, आहा कितना शरीफ कर बन के बैठा है जैसे कुछ किया ही ना हो। देखना गलती तो सारी हमारी है, ये तो लाड साहब है, कभी दादी बचाएगी कभी चाचा बचाएंगे, है ना, पीटेगा किससे भैया, बस बुआ और चाची ऐसे पीटने वाली, और कोई नहीं पीटता इसको। अरे इसकी मासूम सी शक्ल पे मत जाना, ये बहुत चलाक बच्चा है, ये इतना शरारती है ना। बेटा निकल कमरे से बाहर, फिर बताती हूँ पता तेरे को। चल बेटा करा दो ना। रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं, अभी सभी ने खाना खा लिया है, बर्तन वगैरह साफ कर दिए हैं, और अभी जोशी जी यहाँ पे स्वीट डिश खा रहे हैं। आपको नाम नहीं पता इसका, अगर आप में से किसी वाली मिठाई खाई हो, मिठाई बोलते थे क्या है, ऐसे कुछ मीठी है, रस भरा हुआ इसके अंदर, खाने में काफी टेस्टी है। ये आइटम मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, अभी तो इसकी शेप बिगड़ चुकी है, वैसे पूरी गोल समोसा टाइप सी लग रही थी पहले, मैंने कहा मीठा सा समोसा क्या ले आया ये करके, लेकिन अच्छा टेस्ट। अगर आप में से किसी को उसका नाम पता है तो उसका नाम हमें भी बताना।
दिन तो नॉर्मली गुजरा लेकिन रात को जोशी जी ने बहुत ज्यादा हसीन बना दिया है। धन्यवाद जोशी जी, एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, इतना साथ देने के लिए धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार ऐसे न्योछावर करते रहिएगा मुझ पर। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। आहा आहा।